दोस्तों आपने बहुत सारे शॉप में पेटीएम या फोन पे का QR कोड लगा हुआ देखा होगा, लेकिन आपको पता है कि QR कोड खाली पेमेंट करने के लिए नहीं यूज़ करते हैं, उसके अलावा आप QR कोड से वेबसाइट की लिंक भी दे सकते हैं, किसी को टेक्स्ट अगर मैसेज देना है तो वो भी QR कोड के अंदर आप रख सकते हैं, कोई ईमेल भी रख सकते हैं, SMS भी रख सकते हैं, आपकी फेसबुक पेज की लिंक भी रख सकते हैं, PDF फाइल भी रख सकते हैं, MP3 भी रख सकते हैं और इमेजेस भी रख सकते हैं, या फिर आपका कोई ऐप है तो उस ऐप की लिंक भी रख के आप उसका QR कोड बना सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें QR कोड से बनती है, लेकिन कैसे बनती है ये अगर जानने में इंटरेस्ट हो तो ये वीडियो पूरा देखिए। तो चलिए कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल पर मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ, लेट्स रोल द इंट्रो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं दोस्तों, आप अगर नए हो मेरे चैनल पे तो आपको करना होगा सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन दिया उस पर भी क्लिक कीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। तो दोस्तों QR कोड यानी कि क्विक रिस्पांस कोड, अगर ये आपको जनरेट करना है आपकी वेबसाइट का, मैसेज का या कुछ भी अलग अलग जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला आपको, तो उसके लिए आपको ये वेबसाइट विजिट करनी है और ये बिल्कुल फ्री है। वेबसाइट का नाम है qr-code-generated.com। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एड्रेस, बारे में मैंने ऑलरेडी विजिट की। उसके बाद करना क्या है, आपको साइन अप पे क्लिक कर देना, और इस पे साइन अप बिल्कुल फ्री है। आप बिना साइन अप पे भी QR कोड बना सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें नहीं मिलेगी आपको, साइन अप करने के बाद बिल्कुल फ्री है। तो आप एक कोई भी ईमेल आईडी से यहाँ पे साइन अप कीजिए, साइन अप पे क्लिक करने के बाद ईमेल आईडी और पासवर्ड देना है और रजिस्टर कर देना है। रजिस्टर करने के बाद आपके जीमेल में एक वो मेल भेजेंगे और जहाँ पे जाकर आपको बस इसे एक्टिवेट कर देना है। ऑलरेडी मैंने ये सब चीज़ें कर दी है और मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। साइन अप करने के बाद इस तरह से आपको स्क्रीन दिखाई देगी, फिर आप अपने वेबसाइट का, कूपन्स का, बिजनेस पेज का, रेटिंग का, इवेंट, फेसबुक, MP3, इमेजेस, ऐप, PDF, वीडियो, फीडबैक, वी कार्ड प्लस, सोशल मीडिया, इन सब का QR कोड जनरेट कर सकते हैं। फिलहाल हम वेबसाइट के बारे में देखते हैं कि QR कोड किस तरह से जनरेट होगा। एक ही चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँगा, बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी दी है, ये सारी चीज़ आप बना सकते हैं। अगर आप सीख गए वेबसाइट का QR कोड कैसे बनाना, तो बाकी भी लिंक आप बना सकते हैं आराम से। चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ पहले वेबसाइट पे। जैसे मैंने क्लिक किया यहाँ पे वेबसाइट पे, नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है, तो चलिए नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद वेबसाइट टाइप कीजिए, वेबसाइट का URL यहाँ पे टाइप करना है, जो कि मैंने टाइप किया learnmoreindia.in, और यहाँ पे वेबसाइट के लिए नाम देना है आपको, तो आप दे सकते हैं लर्न मोर वेबसाइट है तो लर्न मोर यहाँ पे मैं दे देता हूँ इस तरह से दोस्तों। चलिए और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं देख सकते हैं, प्रीव्यू QR कोड का आ जाएगा डायरेक्टली, लेकिन आगे नेक्स्ट में कुछ और फीचर्स है जो हम यहाँ पे नेक्स्ट करके ऐड करेंगे, उसमें दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे मैं यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे एक अलग सा स्क्रीन ओपन होगा, विंडो ओपन होगा, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कस्टमाइज एंड डाउनलोड योर QR कोड। इसमें कुछ और कस्टमाइजेशन आप करना चाहते हैं तो कीजिए। आप विदाउट नेम चाहिए, स्कैन मी करके नेम आ रहा है, नो नेम दिखाई दे रहा है, अभी QR कोड नॉर्मल आ चुका है। अब विथ नेम चाहिए तो यहाँ पर आ चुका है, देखिए नेम स्कैन मी, और यहाँ पर नेम इस तरह से चाहिए आपको, इस तरह से अलग अलग वैसे फ्रेम आप सिलेक्ट कर सकते हैं इसकी। साथ में आप कलर भी बदल सकते हैं, QR कोड का कलर आपको अलग चाहिए तो आप यहाँ पे बदल सकते हैं। यहाँ पे आप सिलेक्ट करके देख सकते हैं अलग अलग कलर में, उसका हेडिंग आ रहा है कलर में अलग अलग, QR कोड का भी कलर हम बदल सकते हैं। यहाँ पे कोड पे क्लिक कीजिए, फ्रेम का कलर मैंने बदला था, अभी आप कोड का कलर बदल सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप कोड का कलर बदल रहा है, तो आप कोड का कलर चेंज करना चाहते हैं या फ्रेम का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फ्रेम में और क्या चीज़ें यहाँ पे नीचे देखिए, फ्रेम में आइकॉन्स भी बदल सकते हैं आप। तो फ्रेम में अगर आप आइकॉन डालना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए मैं ये आइकॉन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे कुछ अलग तरीके से दिखाई दे रहा है। गेट द ऐप, अगर आपका ऐप का रहेगा तो, सपोज आपने इस QR कोड में ऐप रखा है, तो फिलहाल तो ऐप नहीं रखा है, मैंने वेबसाइट रखी, लेकिन यहाँ पे अलग अलग आइकॉन है उससे रिलेटेड आप यहाँ पे ले सकते हैं। आप दिखाई दे रहा है आपको आइकॉन चेंज हो रहे हैं, तो यहाँ पे फ्रेम के अलग अलग डिज़ाइंस कैसे बदलनी है ये मैंने आपको बताया। कोड का कलर कैसे बदलना है यहाँ पे हमने देखा। अगर आप लोगो ऐड करना चाहते हैं, लोगो कैसे दिखाई देगा मैं प्रीव्यू दिखाता हूँ आपको। ये स्कैन मी दिखाई दे रहा है, स्कैन मी करके ये इनसाइड इधर आपका लोगो भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको अपलोड पर क्लिक करना है। अपलोड में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना लोगो सिलेक्ट करना है, जो भी आपका लोगो रहेगा वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, जैसे लर्न मोर का या फिर कंप्लीट टेक्नोलॉजी का। मेरे चैनल के लोगो यहाँ पे अवेलेबल है, तो जो भी लोगो मुझे ऐड करना है मैं यहाँ पे ओपन करूँगा, और जैसे मैं ओपन करूँगा ये लोगो वहाँ पे ऐड हो जाएगा। आप दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे लोगो ऐड हो चुका है, तो अगर आप इसे प्रिंट करेंगे तो ये लोगो के साथ प्रिंट होने वाला है। डाउनलोड ऑप्शन दिया है उन्होंने फिलहाल। तो यहाँ पे और भी आगे चीज़ें दी है जो आप यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे डिज़ाइन एंड URL ये चेक भी कीजिए आप। तो ये इस तरह से QR कोड जनरेट होता है दोस्तों।
तो डाउनलोड क्लिक कीजिए। यहाँ पे डाउनलोड क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं लर्न मोर करके ये क्यूआर कोड मैंने डाउनलोड कर लिया है और स्कैन भी करके यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। ओके, तो इस तरह से मैंने ये क्यूआर कोड जनरेट कर लिया है मेरे वेबसाइट के लिए। अगर आप और कुछ चीज़ों के लिए क्यूआर कोड जनरेट करना चाहते हैं, मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। दोबारा मैं यहाँ पे क्रिएट क्यूआर कोड पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप आ चुके वापस वही पेज पे जहाँ से आप क्यूआर कोड अलग अलग जनरेट कर सकते हैं, ऑपरेटिंग इवेंट, फेसबुक पेजेस वगैरह। तो आप क्लिक कीजिए, यहाँ पे नीचे प्लस दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। प्लस करने के बाद आप नीचे और भी क्यूआर कोड आपको मिलते हैं, जैसे SMS, ईमेल, टेक्स्ट। तो अगर आप क्यूआर कोड में कोई टेक्स्ट रखना चाहते हो तो टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आप जो भी टेक्स्ट एंटर करेंगे उसका क्यूआर कोड यहाँ पे जनरेट होने वाला है। लगभग आप 300 कैरेक्टर यहाँ पे रख सकते हैं। तो वेलकम टू कंप्लीट टेक्नोलॉजी, तो वेलकम टू कंप्लीट टेक्नोलॉजी करके मैंने लिखा है। और उसके बाद मैं यहाँ पे प्रीव्यू देखना चाहूँगा तो प्रीव्यू या नेक्स्ट करूँगा। यहाँ पे फिर से क्यूआर कोड जनरेट करने के लिए सेम ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे भी क्यूआर कोड आप वैसे जनरेट कर सकते हैं। इस क्यूआर के अंदर मैंने कुछ टेक्स्ट रखा है, वो आप स्कैन करके देख सकते हैं। तो ऐसे आप क्यूआर कोड क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए। आप SMS के लिए भी कर सकते हैं, जो भी स्कैन करेगा डायरेक्ट SMS के लिए जाएगा। SMS में करना क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये SMS पे क्लिक करते ही आप यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है आपको प्रीव्यू की। SMS में यहाँ पे आएगा नंबर जिसे SMS आना चाहिए, मैसेज आप लिख सकते हैं जो भी रहेगा यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे इसका क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। ईमेल भी करके देखिए, ईमेल भी रेडीमेड ईमेल रहेगा, वो भी आप क्यूआर कोड जनरेट करके देखिए। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, आप ये चेक ज़रूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आज का ये टेक्नोलॉजी भरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो आपने ऑलरेडी लाइक बटन पर क्लिक किया होगा। चलिए मैं लूँगा आपसे अलविदा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि क्यूआर कोड का ये वीडियो आपको कैसे लगा। मिलूंगा कुछ और टेक्नोलॉजी पर वीडियो के अंदर, तब तक के लिए एक ही कहूँगा, सीखते रहो सिखाते रहो। बाय बाय।